अस्सलाम वालेकुम देसी व्लॉग फैमिली। दो तीन दिन से मैं बुखार में मुब्तला था, इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो आज मैं जा रहा हूँ मंडी उस्मान वाला में विलेज सीरी का पहला व्लॉग बनाने। मैं और मेरे साथ अफजाल भाई हैं, हम दोनों बाइक पर जा रहे हैं फासला तकरीबन हमारे गांव से एक मंडी उस्मान वाले का 50 से 60 किलोमीटर का। साथ है और साथ में ये हसीन किस्म का रोड बनाया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने। इस रोड पर मैं पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं ये किस रस्ते से मुझे लेकर जा रहा है। वैसे मंडी समान वाले को जो रास्ता लगता है ना वो कुड़िया की तरफ से आता है। ये जो पीछे विलेज, इसका नाम है बाकर के रोड, कारपेट रोड है इनके। कमाल है, बाकर के का लफ्ज़ मैंने पहली बार सुना है और इस गांव में भी मैं पहली बार आया हूँ। आज दो तीन गांव पहली बार मैंने देखे हैं। पीछे मुम्मन वाला गुजरा है, छब्बर गांव भी मैंने पहली बार देखा है और ये बाकर के। वैसे बाकर के कि जो गांव है इसके रोड की कंडीशन हमारे गांव की नस्बत काफ़ी बेहतर है। कारपेट रोड है, हर तरफ जाल ही बिछाया हुआ है सड़कों का। हमारी तरफ कारपेट रोड का निशान भी नहीं है, सिंपल रोड बनाए हुए हैं। अफजाल भाई कह रहे हैं वो जो नेक्स्ट विलेज है वो जो पीछे दिखाई दे रहा इस तरफ, डॉक्टर साहब कोई दंद मैं नहीं लेते वो कह रहे हैं कि ये डोलन है। मैं कह रहा हूँ वो डोलन नहीं है, हमारी शर्त लग गई है। शर्त आ रही है, इस गांव का नाम चार दिन वाला, चार दिन वाला, और इसका मरकज है डोलन हठाड़। तरफ नाम जा रही है वहाँ पर नैनो वार्ड के पास, उसका भी फ्लो बनाना है। उसका लोजिक पता नहीं क्या है, नैनो पता नहीं क्या सीन है, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते। नैनो कमाल के रोड बनाए हुए हैं, हर तरफ कारपेट रोड है। वो आगे आ गया नैनो वाल टिप्पा, 2 किलोमीटर देखो नैनो वाल। वो वाला विलेज उसका नाम है नैन वाल या फिर नैनो वाल, और टिप्पा नैन वाला है वो आगे है, वो मैंने वैसे देखा हुआ। नैनोवाल, नैनोवाल में पार कर देता हूँ, नैनोवाल जगीर 0 किलोमीटर। कारपेट रोड खत्म हो गए, अभी कच्चे रस्तों की तरफ हम जा रहे हैं। वैसे मंडी समान वाला को हम जाना था तो उधर पक्के रोड भी हैं, लेकिन पता नहीं ये कौन से रोड हैं, अननोन रोड, कच्चे और छोटे छोटे रोड हैं जहाँ पर रखो वो। हर खुशी के बाद गमी है, हर पक्के रोड के बाद कच्चा रोड है। इधर कच्चे रोडों में आ गए हम, तबाही लह गई, बाहर भी चढ़े हुए हैं बंदे से कम भी पुठे ने, मैंने कच्चे रोडा थी लह है, जंप ही जंप ने इधर। इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी उस्मान वाला में, काफ़ी तरक्की याफ्ता कस्बा है, गांव नहीं कस्बा कह सकते हैं इसको। तो ये मेन जगह है जिसका नाम है मंडी, यहां पर मंडी भी मौजूद है और उस्मान वाला वैसे गांव का या कस्बे का नाम रखा हुआ है।
यहाँ पर रेल गाड़ी भी आती है, स्टेशन भी मौजूद है, काफ़ी पुराना कस्बा है ये वाला। मंडी उस्मान वाला काफ़ी तरक्की याफ्ता कस्बा है, यहाँ पर स्टेशन मौजूद है, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, बैंक हो गए, मंडी हो गई और ग्रोसरी स्टोर हो गए, हर चीज़ तकरीबन यहाँ पर मौजूद है, जो शहर वाली सहूलत होती है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये वाला स्टेशन है, वैसे इस स्टेशन पर पहले मैं और लुकमान भाई आ चुके हैं, वहाँ पर टंकी और ओल्ड कुआँ मौजूद है, ये रेलवे स्टेशन का पहले कोई पुराना सिस्टम हुआ करता था, उन्होंने टंकी लगाई हुई है और साथ में पुराना कुआँ है, बहुत ही पुराना किस्म का, रेलवे के मतलब है। यहाँ पर भी नहरी कोठी, ओल्ड हाउसेज, रेस्ट हाउसेज वो मौजूद हैं इस तरफ आगे पीछे, रहाइश के लिए बनाए हुए हैं इन्होंने, पुराने दौर के हैं ये। वैसे ये छोटी रेलगाड़ी जा रही है मंडी उस्मान वाला में, मैं बचपन में आया था 7 साल की उम्र में अपने अब्बू जान के साथ, उनके दोस्त के घर मैं 3 दिन रहा, और उस टाइम से लेकर अभी मैं दोबारा दूसरी बार अब आया हूँ, अब तो सारा नक्शा ही चेंज हुआ पड़ा है। पुराना स्टेशन यहाँ पर हुआ करता था, ये लोहे का बनाया हुआ है कमरा रूम, और नया स्टेशन तो उस तरफ मौजूद है, आई थिंक कि ये पुराना स्टेशन है। मंडी उस्मान वाला से ज़्यादा तरक्की याफ्ता विलेज मैंने तो नहीं देखा, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, रेलवे की जो सहूलत यहाँ पर मौजूद है ना, रेलगाड़ी की स्टेशन यहाँ पर है, उखुड़िया, कसूर, लाहौर और कराची की तरफ भी ये लाइन जाती है। और एक टंकी है पुरानी, पुराने रेलवे स्टेशन की, कलकत्ता जैसप मेकर्स, कलकत्ता मेड है इंडिया के मेरे ख्याल में। इसके नक्शे से लग रहा है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है, पुरानी है, 100 साल पुरानी ये टंकी लग रही है, ये कोलकाता मेड है इंडिया की, वो टंकी के ऊपर लिखा हुआ है। इस कुएं का और टंकी का कोई कनेक्शन था पहले, कुएं से पानी टंकी में जाया करता था पहले, कुआं डरावना सा लग रहा है। लहरा बहरा फूड सेंटर, शॉप का नाम है लहरा बहरा फूड, स्ट्रॉबेरी का शेक पीने लगे। मंडी उस्मान वाला आए और लहरा बहरा फूड से शेक नहीं पिया तो कुछ भी नहीं पिया, इनका शेक काफ़ी मशहूर किस्म का है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से शेक ट्राई किया जाए। वैसे भी हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, मुझे तो बुखार था तो इसी वजह से मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ से स्ट्रॉबेरी का शेक पियेंगे। कोरोना वायरस का जो इशू चल रहा है, यहाँ पर तकरीबन हर शॉप खुली हुई है, सारी शॉप यहाँ पर ओपन है, कुटिया में सारी बंद है, वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। स्ट्रॉबेरी शेक आगे तो ट्राई करते हैं इसका, बजेगा
ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੱਖਣ। ਮੰਡੀ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਾ ਟੂਰ ਹਮਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਫੂਡ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰ ਫਜ਼ਾਲ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਤ ਕੋ ਸਰ ਦਰਦ ਮੁਝੇ ਥਾ ਔਰ ਅਭੀ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਲਗਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਊਂਗਾ ਔਰ ਵਾਪਸੀ ਹਮਾਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਹਾਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਗਾਉਂ ਲੇਟ ਜਾਓ ਸਮਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋ। ਤੋ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। That's my akalmand friend. Hach je pure ye jo chawal phook raha hai ye bahut hi akalmand hai, bhooka ko chawal karna chahiye na, bahut hi akalmand insaan hai।